नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। मैं हूँ सुमेधा पाल। आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में। किस तरह से एक माहौल क्रिएट हो गया है जब आए दिन हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली दंगों को जो फरवरी में हुए थे, काफी महीने बीत चुके हैं और पिछले 3-4 महीनों में सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल गिरफ्तारियां की हैं। इन गिरफ्तारियों में काफी छात्र शामिल हैं, राजनेता शामिल हैं, सोशल वर्कर्स शामिल हैं, पर अभी तक फिलहाल हमने एक भी कार्रवाई बीजेपी के लीडर्स या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ नहीं देखी, जिन्होंने सीधे पब्लिक तौर पर भाषण भी भड़काए थे और किस तरह से आगे की गतिविधियां हुई थी। पर आज हम फोकस करेंगे छात्रों पर, उन लोगों पर जो आम लोग हैं, जिन्हें जेल में भर्ती कर दिया गया है, टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने CAA मूवमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। आज हम बात कर रहे हैं महावीर नारवाल जी से, जो है नताशा नारवाल के पिता। नताशा नारवाल JNU की छात्र हैं और पिंजरा तोड़ संगठन की इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, जो CAA मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, दिल्ली के और देश के हर आम नागरिक जैसे, जिसने आवाज उठाई। तो सर, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे नताशा की केस के बारे में। नताशा का केस ऐसा है कि किसी भी छात्र, जो भी छात्र इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, किसी के साथ भी शायद ये चीज हो सकती थी कि उसे पुलिस टारगेट करे या उसे पुलिस ले जाए, ऐसा हमने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है। तो हमें नताशा के केस के बारे में बताइए, दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से ये अनफोल्ड हुआ और क्या एलिगेशंस हैं नताशा के खिलाफ और फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है। शुक्रिया सुमेधा। मैं यहाँ रोहतक में रहता हूँ। इससे पहले मैं हिसार रहता था। हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में मैं सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम करता था। अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ। जब मैं हिसार थे तभी नताशा दिल्ली आ गई थी यहाँ अपना ग्रेजुएशन के लिए, और तब से वो दिल्ली में ही पढ़ रही है। तो अभी जो है मई में उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले मैं उनसे मिला था और वो उनको ये मैसेज आ चुका था पुलिस की तरफ से कि वो उनका इंटरोगेशन करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, इंटरोगेशन करो, हम भी ज्वाइन करेंगे। वो कहने लगे थे यार तुम नहीं करो, हम करेंगे। और नेक्स्ट डे उनका इंटरोगेशन के लिए स्पेशल सेल की पुलिस आ गई थी। और उसी इंटरोगेशन के दौरान एक पुलिस पार्टी और आ गई वहीं पे ऑन द स्पॉट। उन्होंने आकर बताया कि हम जाफराबाद पुलिस स्टेशन से हैं और हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ठीक है, गिरफ्तार कीजिए। वो गिरफ्तार हो गया उसी स्पॉट से। और फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। ने कहा कि कोई केस बनता नहीं है खास, तो शे शुड दे शुड बी एनलार्ज्ड एट बेल। तो दूसरा पुलिस सेट दूसरे पुलिस स्टेशन से वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे भी एक FIR है और हमको ये गिरफ्तार कर। वो गिरफ्तार करके ले गए, अपना इंटरोगेशन रखा 3-4 दिन, और उस केस में भी उनकी जमानत हो गई। और जमानत के दौरान ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये कमेंट जरूर किए हैं कि कोई विटनेस नहीं बन रहा, कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने ये सब काम किए हैं। तो हमें खुशी हुई कि चलो ये तो साबित होगा कि पुलिस को गलतफहमी हो गई होगी, या कोई जानबूझ के भी हो सकता है कि इसका कोई कसूर नहीं है और ये अल्टीमेटली बड़ी हो जाएगा। केसेस बहुत बनाए हुए हैं। राइटिंग का केस है, वायलेंस का केस है, आर्म्स एक्ट का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, मर्डर का केस है, पुलिस के सामने काम करने में ऑब्स्ट्रक्शंस का केस है, और सारे इलीगल असेंबली का केस है। तो अब तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसके बाद एक तीसरे केस में उनको फिर गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है UAPA। जी। अब UAPA में जो क्रिमिनल पार्ट है वो वही है जो पहले वाली FIRs में है। जी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही धाराएं।
तो हम समझते हैं कि पहले भी कोर्ट ने देखा है कि लड़की तो बेकसूर लगती है। इसमें भी हो सकता है कोर्ट ये कहे कि हाँ भाई इसको गलत पकड़ा गया और इसको बेल कर देते हैं या बरी कर देते हैं। ऐसा मेरा एक ब्रीफ सा अंडरस्टैंडिंग है उन केस के बारे में। बाकी मैं ये समझता हूँ कि मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है मेरी बेटी पर जो चार्जेस लगाए हैं, दे डू नॉट सीम टू, अब पुलिस को गलतफहमी में भी चार्ज लगा देते हैं, मिस रिपोर्टिंग कोई कर दे, चुगली करे कुछ, उस पर भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन था जी। पुलिस के चेन ऑफ इवेंट्स में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन था कि इसको पकड़ना ही है जी। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तो हम समझते हैं कि ये मेरे ख्याल से इसके चार्जेस भी जिस प्रकार से पहले वाली दो FIR में वो चार्जेस नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं, हो सकता है इसमें भी वो सिद्ध ना हो, क्योंकि एक्शन तो एक ही है, तीन FIR आप एक ही एक्शन में लगा दो तो उसके एविडेंस तो बराबर वही रहेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनसे बरी हो जाए। नताशा का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, नताशा बहुत शांति प्रिय है, बहुत डिटर्मिंड भी है और वो ना बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो ऐसे भाग नहीं लेती, वो तो इतना आज कभी मैंने उसको कभी अग्रेसिव मूड में नहीं देखा, हमारे साथ भी फैमिली में भी अड़ोस पड़ोस में भी सब में भी उसको सब उसको एक बहुत अच्छी लड़की मानते हैं, बड़ी शरीफ लड़की मानते हैं और बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है उसकी। यहाँ हमारे घर आती है तो गली के पिल्ले भी खेलने आते हैं उससे कि नताशा आ गई चलो खेल के आते हैं, और वो योगा करती है तो वो पिल्ला लोग भी साथ साथ बैठ जाते हैं। वो तो इतना एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, वो तो ये मुझे लगता ही नहीं ये कैसे हो गया। हाँ वो अपने विचार थोड़ा फर्म रखती है वो आप, और आप मुझे ये भी बता रहे थे कि किस तरह से वो जेल में भी अभी लोगों को योगा भी सिखाने की कोशिश कर रही हैं और किस तरह से रह रही है वो वहाँ पर। आप पूछिए कि वो इंटिमिडेट नहीं होती है किसी चीज से जी, डरना वरने का कोई चांस नहीं है, जेल में रह लेंगे भाई क्या बात है, बाहर रहते हैं जेल, ये दिन आ गए हैं जेल में रहने के, तो जेल से बाहर आने के दिन भी आ जाएंगे कभी, ऐसा क्या बात है, किसी भी कारण से हम जेल में हैं तो जेल में अच्छी तरह जियेंगे। उन्होंने वहाँ सबसे मेलजोल किया है, बच्चों की कंपनी मिल गई है उसको, छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ, वो सब उसको दीदी दीदी करके खेलते हैं, वो योगा करती है बहुत नियमित तौर पे, बिल्कुल, तो सब लोग उसे सीखने की कोशिश करते हैं, सिखाती है बड़े खुश होके। नाउ शी इज, हमारी बात हुई थी आई थिंक शी हैज अप्लाइड कि हम जेल में लिटरेसी का कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो जिंदा रहना जो जिंदा दिली है ना वो जेल में भी रह सकती है, कोई बात नहीं है, और वो रहेगी जिंदा दिली सर, वो कभी हमें ऐसा नहीं शो करती कि मैं तो तंग हो गई है फलाएं, ठीक है, जस्टिस की बात है, फेयरनेस की बात है, वो एक ना एक दिन हम अचीव करने का स्ट्रगल कर रहे हैं, वी विल अचीव इट, क्या बात है। जेल में वो बिल्कुल मतलब डर के नहीं रहती, खुश कोई नहीं है जेल में रह के, मैं भी खुश नहीं हूँ वो भी खुश नहीं है, लेकिन वो डर के अपनी किस्मत के उस पर नहीं रहती कि हमारा कोई खास हम रहेंगे शायद, वी वर बॉर्न वी वर डिस्टाइंड टू सी दीज डेज, कोई ऐसी बात नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएंगे, कितने दिन गुजरे हैं पहले ये भी गुजर, ऐसा कुछ एटीट्यूड है उनका। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा कि काफी और छात्र भी हैं जिन्हें काफी समय से जेल में रखा गया और उसके बाद अब उन्हें छोड़ा जा रहा है और कुछ सबूत नहीं मिल रहे हैं, जैसे आपने बताया कि किस तरह से लोगों को रखा जा रहा है जेल में, पर सबूत जैसे नताशा के केस में भी आपने बताया कि साबित कुछ किया नहीं जा रहा, तो एक तरह से एक पैटर्न भी दिख रहा है इसमें। और एक बात ये भी है कि आप जनता को कैसे समझाएंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन को किस रूप से देखा जाए और नताशा के केस को लेकर के, और छात्रों को जो कि एक्टिव रहे हैं, जो अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उनको आप किस तरह का एक मैसेज देंगे या अंडरस्टैंडिंग आप दिखाना चाहेंगे कि ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। ऐसा कोई मेरा पब्लिक रिलेशनशिप में फिलहाल में नहीं हूँ जी, और इसको मैं एक पब्लिक मैटर्स से बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से पूछते हैं हालचाल पूछते हैं, उनको बताते हैं कि पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वो इस मैटर पे काम कर रही है, उसमें उन्होंने हमारी बेटी को गिरफ्तार किया हुआ है और हमें लगता है कि ये जो चार्जेस लगे हैं ये ठीक नहीं है, और ये
ऐसे लगाने भी नहीं चाहिए, मतलब ये कोई तरीका भी नहीं है लगाने का। और ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और पुलिस को थोड़ा सा खुद अपने अपने द्वार पर भी जस्टिस की तरफ देखना चाहिए, खुद अपने पास भी। व्हेन दे स्टार्ट इनिशिएट द एक्शन, उनको तो पता है, वो भी कानून जानते हैं जी। वो भी थोड़ा सा दे शुड बी फेयर टू दी ऑल, और बहुत मामूली से छोटे से बात के ऊपर बड़े बड़े धाराएं लगा दी जाएं और बड़े बड़े FIR बना दिए जाएं। UAPA जैसा है, UAPA का मतलब ये है कि लंबे टाइम तक चल जाता है कई बार। सो देयर सीम्स टू बी एन अटेम्प्ट कि भाई जो है ना सजा होती है नहीं होती है, यही सजा है कि वो जेल में है। तो मुझे लगता है कि पुलिस के इस एटीट्यूड में भी सुधार आ जाएगा, लोग बात कहेंगे, समझाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हम भी कहेंगे, तो हो सकता है कि सिचुएशन बदले और जस्टिस, वेव ऑफ जस्टिस कम्स अप सम टाइम। देयर आर ऑलवेज होप्स। अब नताशा जो है, उसका घर पर जो पहला द फर्स्ट लव शी हैड वाज हर एजुकेशन, एंड इन हर ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन यू नो शी हैज रीच्ड टू द हाईएस्ट पिनाकल ऑफ एजुकेशन। PhD इन JNU इज रियली अ ड्रीम थिंग। मैं भी खुश होता हूँ इसको देख के, मेरी बेटी भी खुश है, और मुझे यकीन है कि उसके जो एजुकेशन का जो उसका परस्यूट है वो रिवर्स नहीं होगा। आज के दिन रिवर्स हो जाएंगे, आज की सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो पर्सनल जो उसका एक परस्यूट है, जो उसकी अचीवमेंट है, वो उसके साथ रहेंगे। एंड दिस इज ऑल एज फादर आई विश हर ऑल द बेस्ट। और किस तरह के एस्पिरेशंस हैं आगे नताशा की, क्योंकि वो PhD कर रही थी, तो आगे वो एकेडमिक्स में जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? और नहीं दर्श, हाँ ये खास बात है, उन्होंने एजुकेशन अटेन करते वक्त ना गोल्स नहीं बनाए, उन्होंने सिर्फ एजुकेशन को अटेन किया है और उसमें आगे बढ़ते जाना है। वेरी गुड स्टूडेंट ऑल थ्रू, और वो जो पढ़ती है ना वो किताब के बियॉन्ड पढ़ती है, किताब पढ़ते पढ़ते भी वो दुनिया में चली जाती है, इसलिए वो पढ़ना बहुत मीनिंगफुली पढ़ती है, विचार भी डेवलप होते हैं, सोशल कंसर्न्स भी डेवलप होते हैं, उसमें फिर आपको ह्यूमन वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। कई बार तो वो किताब से ही निकाल के देखती है, पापा ये गलत लिखा है आप। तो शी हैज ऑलवेज बीन एनालिटिकल, शी हैज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, नेवर इंटिमिडेटेड एंड नेवर कर्सेस हर लक। She says that she will work and she will get through. अगर वो कई बार उसको JNU में एडमिशन लेने के लिए उसको एक साल वेट करना पड़ा, कहते हो जाएगा कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे, हो जाएगा, हो गया। सो उनका ऐसा एटीट्यूड है एडुकेशन में, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि उसका जो मैं परस्पेक्टिव देखता था, वो डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करती। घरों में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, समाज में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉलिटिक्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जस्टिस के सिलसिले में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, और वो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए उनका जो रुझान था वो महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है घर में भी, समाज में भी, एजुकेशन में भी, तो उनका जो ध्यान गया वो यंग गर्ल स्टूडेंट जो हॉस्टल्स और PG वगैरह में, इतना उनके साथ इनजस्टिस होता है, इतना ऑपरेशन होता है, इतना उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उसकी तरफ उनका ध्यान गया, बिकॉज उसका अपना पर्सपेक्टिव है कि इनजस्टिस जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो पिंजरा तोड़ के रूप में वो उभरा है कि ये तो पिंजरे बनाए हुए तुमने हॉस्टल वगैरह को, और ये हो जाने चाहिए, ब्रेक होने चाहिए, लड़कियों सेट दम फ्री, ये वो इंसान है, वो अपने आप को सब डिफेंड भी कर लेंगे, और जब बहुत सारे लोग होंगे इकट्ठे तो कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, ये फॉल्स नैरेटिव है लड़कियों को रोकने का। इस पे उन्होंने बात करती रही, मेरे साथ भी कई बात की है, पिंजरा तोड़ इससे आगे मुझे तो लगता नहीं कहीं कुछ और चीज है, और पिंजरा तोड़ बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत कलेक्टिव वो है, ये तो लड़कियों की समानता के लिए छोटा विचार है, छोटा है, संगठन है, और है बहुत खूबसूरत है। मुझे अच्छा लगता है। और उसको और से पिंजरा तोड़ को यूज करके कहना कि हाँ नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है,
ये सिंपल एक्सप्रेशन है महिलाओं का अगेंस्ट द इनइक्वलिटी एंड अगेंस्ट द ऑपरेशन, उसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो संगठन जैसा लगता है और यही इसको, बल्कि मैं तो वेट कर रहा था कि कभी ना कभी कोई पुलिस का ऑफिसर या कोई हाई कोर्ट के जज वो इसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए। पर इस जी बिल्कुल, ये काफी अफसोसजनक बात है कि जिस एक कलेक्टिव को जो कि औरतों के फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, उनकी ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है, उसे इस लाइट में पेश किया जा रहा है। एक डर का भी माहौल काफी बन गया है कि काफी लोग डर गए हैं अब बोलने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से। जो आप एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं वो कितना क्रूशल हो गया है इस समय में, कि हमें डर लग रहा है कि हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और लोगों को एक अगर मैसेज जाना चाहिए टूवर्ड्स पब्लिक एक्सप्रेशन, बी इट फॉर वुमेन्स फ्रीडम, बी इट फॉर आर ओन फ्रीडम, तो उसको हम किस तरह से समझें इस समय में? देखिए, मुझे तो आजकल कई बार ना, मैं एक रिपीट हुआ ये मेरे से बाय चांस अपने आप अपनी फोर्स से गजल रिपीट होती है मेरे माइंड में और उसको सुनता भी हूँ मैं। बादशाह जफर ने लिखी थी। अच्छा। बात करनी मुझे मुश्किल भी ऐसी तो न थी, तो ये मुश्किल वक्त है बात करने का, इसलिए लोग सोचते हैं वक्त आएगा तब बात कर लेंगे। ऐसा नहीं, वक्त के साथ किसी को गलत फहमी नहीं है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त आएगा हम बात भी करेंगे और जस्टिस की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे। आज नहीं कर पा रहे हैं तो करेंगे। और मुझे तो असल में, मैं अपने अंदर से बता रहा हूँ, जो ये पिंजरा तोड़ की बात है ना, इसको कहीं ना कहीं पुलिस कहीं सुधार देगी कि भाई इस पे कोई चार्ज, इसके ऊपर मेरे ख्याल से ड्रॉप हो जाएगा चार्ज। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज, हर घर में अच्छी लगती है पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से ही। ये मुझे यकीन है कि ये चार्ज डिलीट होगा, क्योंकि ये कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई अच्छी बात है। तो जो माहौल है, देखिए उसमें ज़्यादातर लोग तो अपने काम से काम रखते हैं और गवर्नमेंट कुछ सख्त हुई लगती है, गवर्नमेंट सख्त हुई लगती है, और कभी कभी ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा मिलता है इशारा कि वो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं इसको, जीरो टॉलरेंस होता है। तो एक वक्त के लिए अगर ये रीड करते हैं लोग कि भाई गवर्नमेंट जो है ना इन बातों को टॉलरेट नहीं कर रही है, थोड़े दिन में करने लग जाएगी, क्या बात है। कोई पत्थर थोड़ा होता है गवर्नमेंट भी, वो इंसानों से बनी होती है। तो वो ये पॉलिटिक्स का माहौल भी, वक्त का माहौल भी, समाज के माहौल भी, इनको ना हम थोड़ा सहज लें तो ये सहजता से ही पार हो जाते हैं, ये दिन सब गुजर जाते हैं। कोई मुझे ज़्यादा निराशा नहीं है, मुझे मैं होप रखता हूँ और पूरा कॉन्फिडेंस रखता हूँ अपनी बेटी और मुझे खूब भरोसा है उस पर, और मुझे खूब फक्र है, गर्व है मेरी बेटी। शी कैन स्टैंड अप, she can talk right, she can talk justice, she can talk freedom, she can talk constitution, she can talk free values, और वो कोई बुरी बात नहीं है। वो तो एक बार एनकाउंटर में पुलिस वालों ने भी मुझे कहा कि जी इनमें तो क्या फर्क पड़ता है, तो कर ही लेते हैं बच्चे, पर्सनली दे आर वेरी जेंटल, लेकिन कैसा माहौल है वो उस पर जाता है। मतलब वी हैव नॉट फेस्ड एनी काइंड ऑफ misbehavior or suppression or anything on that. Yes. और लेकिन एक बात है मैं जो अंदर से बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों में जो ये communal भावनाएं हैं ये बहुत भरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुलिस में भी हैं, बिना पुलिस वालों में भी हैं, और उसका एक्सप्रेशन कभी कभी हो जाता है जी। और उस कारण से कई बार वो एक प्रिजनर्स का डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, अक्यूज्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है हमारे समाज में। बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है। और हम तो अच्छा देश बनना चाहते हैं, अच्छा एक अच्छा समाज बने जो प्यार करे, जो मतलब बराबरी के सिद्धांत पे शामिल हो, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समता और प्रेम के ऊपर और बराबरी के ऊपर समाज टिका हो, ऐसा ही संविधान बने, ऐसे ही रूल बने, ऐसी पुलिस बने, ऐसी जुडिशरी बने, सबका सपना तो यही है।
उसके उसके संघर्ष में आज हम लगे हुए हैं, वो कई बार हिल जाता है उसका पैतरा, हम उसको चाहते हैं कि वो ना हिले, सब यहाँ खुश रहे, हाँ यहाँ एक दूसरे से जलन ना रहे, दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन नफरत ना रहे। तो समाज में अगर नफरत होगी तो समाज किसी काम का नहीं, वो हिंदुस्तान ये कभी सस्टेन नहीं कर सकता, हम नफरत में जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन नफरत होगी, अगले दिन प्यार हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर समाज है, बना रहना चाहिए, कभी कभी इसके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, तो आजकल हम जोर लगा रहे हैं। तो इसी नोट पर जो ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि यही खूबसूरती है समाज की, और इसी समाज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी समाज के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये समाज हर किसी का रहे और प्यार मोहब्बत का रहे। तो इसी मैसेज के साथ हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। हम केस पर नताशा के फ्यूचर जो केस में डेवलपमेंट्स होती हैं उनको फॉलो करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे न्यूज़ क्लिक पर। ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मारवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खूबसूरत बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ आपने बुलाया और ये बातें कहने का मौका मिला, आपके लिए भी शुभकामनाएं। Thank you.